Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Assalamu alaikum, shuru karta hu Allah ke babarkat naam se jo nihayat meherban aur rahm karne wala hai. तो फ्रेंड्स, आज इफ्तारी के लिए कुछ सामान लेना है, तो सोच रहा हूँ घर बनाने से पहले कहीं बाहर से थोड़ा बहुत ले आऊँ. सो अभी देखना है मुझे कि ब्रैडफोर्ड जाएँ या हडर्सफील्ड जाएँ या लोकल कहीं चेक करें, और जहाँ से हमें मिली फूड तो जाके लेते हैं, और उम्मीद है कोई अच्छा ही मिल जाएगा इफ्तारी के लिए. और हो सकता है आज, देखते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ. सो आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं. ठीक है स्टार बिब बेक पे. बहुत नाइस, आप देखिए मेरे पीछे जो है ना, ये स्टार बेक बहुत नाइस. इसकी केक्स वगैरह और पेस्ट्रीज और डिफरेंट जो है ना, कोई चीज़ आपने ऑर्डर पे बनवानी हो यहाँ तो आप ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे ब्रैडफोर्ड में. तो भाई, तो ये भाई से पूछते हैं ये क्या क्या करते हैं और क्या क्या यहाँ बनाते हैं. बल्कि ये देखें आप कितनी चीज़ें यहाँ पे स्टॉल में, मतलब ये काउंटर में. तो अगर किसी ने कोई चीज़ बनवानी है, क्या जी आप क्या क्या हैं? हम ये केक बनाते हैं, ये छोटा से बड़ा लेके केक करते हैं. ठीक है, फिर ये सिलेक्शन डिजर्ट करते हैं. ओके ठीक है. किसी ने फुल केक नहीं चाहिए तो वो छोटे डिजर्ट केक भी ले जाते हैं. अच्छा, तो ऑर्डर पे भी करते हैं. अच्छा, बर्थडे वगैरह आप कोई ऑर्डर बनवाए बर्थडे या शादी वगैरह के, वो उस पे वो भी कर लेते हैं. शादी का ये होता है कि यू हैव टू कम लेटर, भी पहले आना चाहिए. हाँ, वो ज्यादा केक नॉर्मल जो होना आप वन डे बिफोर भी कर सकते हैं. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट से भी कर सकते हैं. अच्छा, पे भी आके नो प्रॉब्लम. तो आप अवेलेबल हैं किसी चीज़, मतलब कोई चीज़ ऑर्डर, किसी किस्म का केक और अपनी पसंद का कोई बताए तो आप बना देते हैं उनको. मतलब फ्लेवर वाइज चॉकलेट हो गया, एक नॉर्मल जो स्पॉन्ज हो जाता है वो कर सकते हैं. अच्छा अच्छा, स्पॉन्ज हो जाता है, बिस्कुट. और कितने पाउंड तक मैक्सिमम आप बनाते हैं? स्टार्टर जो है ना, फ्रेश केक, दे स्टार्ट फ्रॉम 16 पाउंड टू 100, डिपेंड हाउ मेनी पीपल. डिपेंड. ओके. बेस फॉर फेमस स्पॉन्ज 16, 18 इंच, 10 इंच, 11, सॉरी 12 इंच. 12 इंच अप टू 12 इंच इज मोर आपको मिल जाता है. अच्छा अच्छा जी जी जी, आसानी से 10 इंच या 12 इंच तक. हमारे जो अभी फॉर एग्जांपल 6 इंच इज अबाउट 17 पाउंड, 16 पाउंड स्क्वायर. ओके ओके ओके, ऑल राउंड वन फ्लेवर वन दे 17 पाउंड. ओके ओके ओके. सो क्या नाम भाई आपका? सोहेल. सोहेल, ये सोहेल भाई हैं जी, आप यहाँ पे आए ये स्टार बेक पे. तो ये पेस्ट्रीज, हर किस्म की पेस्ट्री वी बेक विद पैशन. You can tell. So, बहुत नाइस जो है ना आप करते हैं, और आप यहाँ पे आए और इनसे बनवाएं फूड, इंशाल्लाह जो है ना आपको मजा आए.
हमने लिए जी, क्या नाम है, बेकरी से कुछ लिए हैं, पेस्ट्रियाँ और केक लिए हैं। और आप आए हैं जी स्टार्टर, मेन स्टार्टर इफ्तारी का सामान लेने। ये जी अपने रीगल्स पंजाब रीगल्स पे आए हैं। ये लगाते हैं खोखा, सो खोखे से अभी लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है, और जो पसंद आया तो वो लेंगे। ठीक है, चलिए जी। ये कौन से? चिकन वेज। वन पोर्शन है लाजमी के लिए। अभी ये चिकन पकौड़े और शामी कबाब पैटीज है। ये कौन सी पैटी है यार? मीट। और वो क्या है? वेज। और ये शामी कबाब, ये जी देखें कितना स्टीमिंग हॉट फिश। तो ये अभी ये पोर्शन लिए हैं जी, ये चिकन पकौड़ा और साथ जो है ना, वो देखिए पीछे फ्राई कर रहे हैं। रीगल अपने बाहर स्टॉल लगाता है जी इफ्तार की, जो है ना शॉपिंग के लिए इफ्तार चीज़ें जो भी चाहिए किसी किस्म की, तो आएँ आके यहाँ से इफ्तारी के लिए सामान लें। सो आज दिन था ये इफ्तारी बाहर से जो है ना लेके आने का, तो घर नहीं बनानी, आज बाहर से बनी बनाई लेके जानी है, लाइक पाकिस्तान स्टाइल। सो अभी ये मैंने सारा कुछ लिया है, मतलब फिश टिक्का कबाब पकौड़े सीख कबाब बिरयानी चाट फ्रूट चाट और सारा कुछ ये हमसे। ये जी एक बैग बना है और एक ये बैग बना है, और अभी एक वो बैग बना रहे हैं ये भाई, बना रहे एक बैग। सो एक बैग के बाद जो है ना, तो फ्रेंड्स ये अभी लिए मैंने इफ्तारी, तो अभी टाइम हो रहा है 7:15। सो हमारी 8:15 इफ्तारी खुलेगी, मतलब इफ्तारी होगी। सो अभी मेरा तो सांस नहीं आ रहा क्योंकि बातें करके ना वीडियो में रोज़ा लगता लगा हुआ है मुझे। सो अभी घर जाएंगे, इफ्तारी करेंगे, यहाँ से शॉपिंग क्लियर होगी हमारा, जो भी इफ्तारी का सामान लेना था सारा लिया है, और अभी जाएंगे घर और खाएंगे। आई रियली इंजॉय द, और मज़ा आया खा के, और मैं आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। और अपना और अपने गिरद व नवा का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।